सो हेलो गाइज, वेलकम टू डॉक्टर टू द टू डॉक. सो इफ़ यू डोंट नो मी, आई मेक वीडियोज रिलेटेड ओरल पैथोलॉजी. एंड लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था सिस्ट ऑफ द ओरल रीजन, उसमें हम पढ़ रहे थे डेंटिजरस सिस्ट. तो अब हम शुरू करेंगे ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट. ओके, तो इसमें रेडिकुलर सिस्ट, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट दैट इज OKC और डेंटिजरस सिस्ट और रेडिकुलर सिस्ट, ये तीनों सिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. OKC क्या है? इट्स अ कॉमन सिस्टिक लीजन ऑफ द जॉ विच अराइजेज फ्रॉम द रेमनेंट्स ऑफ द डेंटल लेमाइना. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था एडवांस बेल स्टेज फर्स्ट ईयर में, उसका जो रेमनेंट्स बचता था जिसको हम लोग प्यार से सेल रेस्ट ऑफ सेरेस बोलते थे, उससे ये होता है. और इसका हाइयर टेंडेंसी ऑफ रिकरेंस, ये बात ध्यान रखना, बुलेट पॉइंट है कि ये बार बार हो जाता है ट्रीटमेंट और इनिकुलेशन के बाद भी ये रिकर कर जाता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लोकेशन. होता कहाँ पे? मैक्सिमम केसेस में ये एंगल ऑफ मैंडिबल के पास होता है. जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम, ये जो लाल कलर का दिख रहा है ना, याद रख लेना कि हमेशा ये एंगल ऑफ द मैंडिबल के पास होता है ऑलवेज. अगर से सॉलिटरी लीजन, कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है कि ये मल्टीपल लीजन्स के फॉर्म में दिखता है, और स्पेशली ये होता है निवॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम के केस में, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल्ड्स सिंड्रोम. राइट, इस सिंड्रोम में ये मल्टीपल लीजन्स के फॉर्म में इसके मैनिफेस्टेशंस होते हैं, ये की पॉइंट है. अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की, हाउ डज दिस स्प्रेड. सबसे पहले मैंने बता दिया रेमनेंट ऑफ डेंटल लेमाइना, ये हमारा टूथ है प्यारा सा, और ये उसके दो सेल रेस्ट ऑफ सेरेस अचानक से एग्रेवेट हुए और फिर इन्होंने OKC बनाया. प्राइमोर्डियम ऑफ डेवलपिंग टूथ जम, और तीसरा है बेसल लेयर. जो बेसल लेयर सेल्स होते हैं कभी कभी वो हाइपर एक्टिव होकर OKC बना सकते हैं. देखो, तीन क्राइटेरिया है लाइक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने में कि ये OKC होगा कि नहीं होगा. फर्स्ट इज जो एपिथीलियम की थिकनेस है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेटम बेसलिस टिल द स्टेटम सुपरफिशियल, मतलब जो पूरी एपिथीलियम की थिकनेस है वो 10 सेल लेयर से ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. तो एपिथीलियल लाइनिंग नॉट मोर देन 10 सेल लेयर थिक, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम. ठीक है, फिर बेसल सेल्स जो होते हैं पैलिसेडेड होता है. मैंने यहाँ क्या कर रखा है, मैंने दिखाया है बेसल सेल्स में न्यूक्लियाई बेस के तरफ है. ठीक है, जबकि दिस इज नॉट द केस इन OKC, विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड. हमेशा देयर विल बी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इन OKC, हमेशा बेसल सेल्स की न्यूक्लियाई अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन होंगे, यहाँ हमेशा गलती होती है. एंड कॉरिगेटेड एंड केरेटिनाइज्ड एपिथीलियल लाइनिंग हुआ, जिसमें अंदर से वेवी फॉर्म में पैटर्न में एपिथीलियल लाइनिंग होगा, जैसे रियूगे होता है ना उसी टाइप का कॉरिगेटेड लाइनिंग. तो हमने क्या पढ़ा, पहला मोर देन 10 सेल लेयर थिक नहीं होगा, बेसल लेयर पैलिसेडेड होगा, उसका न्यूक्लियाई बेसमेंट मेम्ब्रेन से दूर होगा, और कॉरिगेटेड और केराटिनाइज एपिथीलियल लाइनिंग होगा. अब हम बात करते हैं नेम्स. नेम्स ऐसा था कि सबसे शुरुआत हुआ हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1971 में इसका नेम दिया सिस्ट ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, फिर 1992 में सिस्ट ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, फिर 2005 में ट्यूमर केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर, एंड 17 में सिस्ट ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट. ये बेफालतू की चीज़ें हैं, अगर याद रखना रखो वरना मत रखो. अब आते हैं क्लिनिकल फीचर्स की. भाई साहब, ये 20 से 30 साल की उम्र में होता है, ऐसे याद कर लेना. कोई डेंटल स्टूडेंट है उसको OKC हो गया हाइपोथेटिकल, कोई 20 से 30 साल का बच्चा होगा तो फिर उस केस में 20 से 30 साल के लोगों में ये हो सकता है. और मेल प्रेडिलेक्शन इसका ज़्यादा है. क्यों है मुझे नहीं पता, 100-200 हज़ार लोगों का स्टडी हुआ, उनमें से देखा गया कि इतना परसेंटेज मेल है इतना परसेंट फीमेल है, दैट इज़ द एटियोलॉजी. एंड मेजॉरिटी ऑफ लीजन्स विल बी इन मैंडिबल. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो हमारा मैंडिबल का एंगल वाला एरिया है उसमें मैक्सिमम लीजन होता है मैंडिबल में भी. मतलब मैंडिबल में भी लोकलाइज हम करें ना कि भाई मैंडिबल में कहाँ होता है, तो मैंडिबल में एंगल के पास होता है. और ध्यान रखना, एंगल से ये बॉडी ऑफ द मैंडिबल मतलब आगे, पीछे मतलब रेमस ऑफ द मैंडिबल, और ऊपर इन्फेक्ट कोरोनॉइड प्रोसेस तक इन्फेक्ट कर सकता है ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, ध्यान रखना इस बात को. और एक्स्ट्रा ऑशियस लीजन्स में ये जिंजाइवा पे होता है. इनिशियल स्टेज में बात करते हैं कोई साइन सिम्टम नहीं होगा. ठीक है, थोड़ा स्वेलिंग हो भी जाए तो भी ये एविडेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमने ये देखो मैंडिबल है, हमने इससे सामने से काट दिया और हम इससे इस तरह से देख रहे हैं, सेकाइटल सेक्शन में देख रहे हैं. तो इसमें हम लोग को ये कॉर्टिकल बोन और एक ये ट्रबैक्यूलेट बोन दिख रहा है. ट्रबैक्यूलो में क्या छेद है, ठीक है, हनीकॉम जैसा. तो क्या होगा कि जो हमारा एक्सपेंशन होगा इन स्पेसेस के थ्रू होगा, इसीलिए ये पता नहीं चलेगा कि कब ये
कितना तक कितना इसका साइज एविडेंट नहीं होगा क्योंकि ये अंदर अंदर फैलता जाएगा, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसके बाद ये कॉर्टिकल प्लेट्स पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाएगा तो बट ऑब्वियस है कि स्वेलिंग आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ बकल कॉर्टिकल प्लेट होगा, एज यूजल बकल वाला पे प्रेशर लगेगा, लिंगुअल पे प्रेशर लगेगा और अल्टीमेटली टूथ ढीला हो जाएगा, एक्सफोलिएशन के चांसेस बढ़ जाएंगे एंड देयर विल बी पेन इन द एरिया अलोंग विथ पैरेस्थीसिया, देयर विल बी पेन अलोंग विथ पैरेस्थीसिया मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अफेक्टेड पार्ट। उसके बाद बात करते हैं लार्जर लीजन्स, फेशियल एसिमेट्री जैसा मैंने पहले ही कहा, और बहुत सारे लीजन ऐसे भी हैं जो कि मिडलाइन तक क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और इस फिगर में इट इज़ क्वाइट एविडेंट इन दिस पेशेंट कि इसके राइट लोअर क्वाड्रेंट में यहाँ स्वेलिंग दिख रही है, लाइक फेशियल एसिमेट्री तो मैं खुद एविडेंट हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि बट ऑब्वियस है ना यार, क्योंकि तुम्हारा क्या हो रहा है कि बकल कॉर्टिकल प्लेट और लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट तुम्हारा फैल रहा है जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गया, तो तुम जैसे ही मतलब यहाँ प्रेशर लगेगा तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगा। नॉर्मल आदमी में करोगे नहीं होगा, नाम ही है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, मतलब किसी डिजीज पर्सन में जिसको ओके सी हुआ है तुम करोगे तो फिर वो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। उसके बाद अब भाई हिस्टोपैथ की बात तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल लाइक इमेजिन करो कि हमने ओकेसी का एक लीजन को एक्साइज करा और उसको स्कैल्पल से काट दिया। अब काट के जब हम उसको देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन को तो उसमें अपने को येलो कलर का केराटिन डेब्रिस फील्ड मिलेगा, ठीक है, वैलीज मिलेंगी केराटिन डेब्रिस फील्ड, ठीक है। अब समझ में आया क्या है ये कटा हुआ पार्ट, ओके। अब सिस्टिक फ्लूइड की बात करते हैं तो इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड, ठीक है, कलर ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी के बारे में यह है प्रोटीन कंटेंट। तो इसका जब हम लोग जो एस्पिरेट निकाला है हमने इसका जब चेकिंग करेंगे लैब में तो 5 से 11 ग्राम अगर रहेगा तो हम इट विल बी नॉन केराटिनाइजिंग सिस्ट, और अगर 5 से कम रहता है मतलब 4.5 से कम रहता है ग्राम पर ml प्रोटीन तो इट विल बी ओके सी। इसी बात पे एक क्वेश्चन है कि हमने एक सिस्ट को एस्पिरेट करा और उसका प्रोटीन कंटेंट हम बोल रहे हैं 6 ग्राम, तो व्हाट इट विल बी ओके सी, कभी नहीं। ओके सी होने के लिए हमेशा 5 ग्राम पर ml, मोर सिग्निफिकेंटली 4.5 ग्राम पर ml से अपना प्रोटीन कंटेंट कम होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी ओके सी। प्रोटीन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर्स की, तो तुमको डायग्राम में दिख ही रहा है कि यहाँ पे रेडियोल्यूसेंसी दिख रही है और कहीं कहीं पे सेप्टेशंस दिख रहे हैं, मतलब यहाँ थोड़ा थोड़ा बोन, क्योंकि बोन यार धीरे धीरे करके गलेगा, बोन इज अ हार्ड टिश्यू नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू, तो रेडियोल्यूसेंसी दिख रही है, कहीं कहीं सेप्टेशंस दिख सकते हैं विच आर रेडियो ओपेक मतलब वाइट, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इट्स अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ ओकेसी, राइट। यहाँ पे सोप बबल अपीयरेंस तुमको दिख रहा है इधर पर, ये पूरा सोप बबल अपीयरेंस कौन सा है, सोप बबल अपेरेंस, ये पूरा एरिया में सोबोबल अपेरेंस है, तो इज वन ऑफ द पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ ओडोंटोजेनिक केराटोसिस। नाउ वी विल कम टू हिस्टोपैथ ऑफ ओकेसी। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस फिर से मैं बता रहा हूँ कि हर समय गलती होती है कि ये जो बेसल लेयर ऑफ सेल्स हैं, यहाँ भी डायग्राम में तुम देख सकते हो न्यूक्लियस इज अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन, नेवर मेक द न्यूक्लियस टूवर्ड्स द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब इसमें रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी दिखेगा। और जैसे मैंने पहले बताया 6 to 8 सेल लेयर थिक एपिथेलियम दिखेगा, 80% पैराकेराटिनाइज दिखेगा और 20% ऑर्थोकेराटिनाइज होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो पैराकेराटिनाइज है इसमें सबसे एग्रेसिव लीजन्स होता है ये, मोर देन ऑर्थोकेराटिनाइज। रेटिपेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ तुम देख सकते हो कोई रेटिपेक्स नहीं है, यहाँ पे कोई पैपिलरी प्रोसेस नहीं है, बेसल सेल टॉल कॉलमनार सेल्स है जैसे पहले बताया था मैंने, और पैलिसेडिंग अरेंजमेंट है, और इन्हीं पैलिसेडिंग अरेंजमेंट बेसल सेल्स को हम लोग बोलते हैं टॉम्ब, गुंबद देखा ना गुंबद एक वैसे ही टाइप का दिखता है, टॉम्ब टाइप का दिखता है, टॉम्ब स्टोन अपीयरेंस होता है इसका। उसके बाद ल्यूमेन में थोड़ा मोटा केराटिन का फ्लेक्स दिखेगा, अब नाम ही है ओडोंटोजेनिक केराटोसिस तो ऐसे याद कर लो यार कि केराटिन का फ्लेक्स दिखेगा इस सिस्टिक ल्यूमेन में, ठीक है। छोटे छोटे माइक्रोसिस्ट प्रेजेंट हो सकते हैं जिसको डॉटर या सैटेलाइट सिस्ट बोलते हैं, और कभी कभी यही जो होते हैं दीज आर द मेन रीजन कि वाई दिस सिस्ट रिकर्स, क्योंकि यही सैटेलाइट सिस्ट और डॉटर सिस्ट होता है इसमें जो कि इसका रेकर करने का कारण बनता है, ठीक है। थोड़ा सा बच जाएगा बाद में फिर से रेकरेंस हो जाएगा, और कहीं कहीं पे कैल्सिफिकेशन का एरिया भी होता है जहाँ जहाँ कैल्सिफाइड डिपॉजिट्स आता है। और सबसे लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेसी
कैन ट्रांसफॉर्म इनटू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड इट इज़ अ वेरी रेयर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, होता है, इसीलिए कभी भी किसी पेशेंट को, किसी का है, डोंट इग्नोर दैट पर्सन बिकॉज दिस कैन ट्रांसफॉर्म इनटू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा विच कैन बी फेटल इन नेचर. सो थैंक यू गाइज, आई होप यू लाइक द कॉन्टेंट एंड इफ यू डू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू